नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीएस से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये जानकारी इसलिए देना मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि हो सकता है भाई आगे आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए भी ये नियम हो जाए कि आप अपने रिश्तेदार को रक्त ब्लड रिलेशन को अगर आप दुबई में बुलाना चाहते हैं तो, जैसे बता दूँ दुबई में फिलीपींस जो लोग रहते हैं, दुबई में फिलीपींस एम्बेसी मान लीजिए, वहाँ का सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। जी हाँ, उसमें कंडीशन होता है कि भाई ब्लड रिलेशन वाले को बुलाने के लिए, जैसे अपने बच्चे मदर फादर वाइफ वगैरह को हम लेके जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए रेजिडेंशियल में, तो उनकी आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, सब इनकम पे डिपेंड करता है। तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो बता दूं साथियों कि पहले आपको पता है इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये एवरेज बंदे की इनकम होनी चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली को वहाँ पे सेटल्ड कर सकते हैं, उनका आप खर्चा उठा सकते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे लेके जाने के लिए। लेकिन इसमें फिलीपींस सरकार ने, फिलीपींस एम्बेसी ने और वहाँ की वो सिस्टम ने चेंज किया थोड़ा। जी हाँ, अब उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर कोई फिलिपिनी, वहाँ पे दुबई में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अगर कोई फिलिपिनी अपने विथ फैमिली को यहाँ पे लेके आते हैं जिसमें मतलब अपने परिवार को ब्लड रिलेशन रक्त होना चाहिए उसमें ब्लड रिलेशन, तो पहले उनकी क्या होती थी, जो बंदा 3,500 दुबई दराम कमा रहा था वो लेके जा सकता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया, यानी 10,000। जो बंदा अभी 10,000 दुबई दराम कमाएगा, ये नियम हो गया, बता दूं 24 अगस्त से लागू। जी हाँ, वो ही बंदा अपनी फैमिली को अफोर्ड कर पाएगा और वहाँ से फिलीपीन से दुबई ला पाएगा। जी हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हैं तो 14,000 भी अगर कमा रहे हैं दुबई दराम, यानी कि दोनों के 10-10-20,000 हो गए, 14,000 में भी वो अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। या फिर जैसे 2-3 बंदे एक परिवार में हो गए, जैसे अपना बच्चा, आप खुद या उसकी वाइफ, तीनों अगर मिलके 18,000 दुबई दराम भी कमा रहे हैं तो भी वो अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। ऐसा कुछ रूल सरकार ने चेंज किया है। ये बातें इसलिए बताना जरूरी है कि वहाँ की इंडियन फिलीपींस एम्बेसी ने भी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे, उन्होंने ये बताया कि भाई इन चीज़ों को करना जरूरी है। जी हाँ, कि भाई ये एक ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको बिजनेस के तौर पे ले लिया। जी हाँ, कि क्या होता है कि ठीक है मैं यहाँ पे इतना कमा रहा हूँ, तेरे को बुला लेता हूँ, तू मुझे इतना पैसा दे दे। एक तो बता दूँ कबूतरबाजी वहाँ से ज़्यादा हो रही थी, यानी लोग वहाँ पे जा रहे थे पैसा लेके लोगों को बुला रहे थे, अवैध भर्ती के तौर पे इसको बोल सकते हैं, मानव तस्करी इसको बोल सकते हैं। उसी को रोकने के लिए सरकार, वहाँ की इंडिया, वहाँ की फिलीपींस एम्बेसी ने ये कानून बनाया। जी हाँ साथियों, दुबई ने नहीं बनाया, उन्होंने ये कानून बनाया कि इस पर रोका जाए, अवैध तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लोग बीच में पैसा कमाने का 2 नंबर का काम स्टार्ट कर दिया है। अब 10,000 दुबई दराम भैया कमाएगा वो इन लपड़ों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10,000 दुबई दराम कम नहीं होता भाई, इंडिया का 2 लाख बनता है, वहाँ का शायद कम बनेगा क्योंकि वहाँ का भाव थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है फिलीपींस का, क्योंकि हमारे तो इंडिया के लोग खुद फिलीपींस में जॉब कर रहे हैं, फिलीपींस वाले दुबई में जॉब कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि सिक्का वहाँ का भारी है थोड़ा। करें तो इंडिया का 20-21 रुपये बन जाता है, उसका 13-14 रुपये बनता है, इतना डिफरेंस आ रहा है। एक दुबई दराम का इंडिया का 20-21 रुपये बनता है तो वहाँ का 13-14 रुपये बनता है, तो इस वजह से उनकी फिर सैलरी भी हाई स्केल पे है। 10,000 जो कमाएगा वही अपनी फैमिली को लेके आ सकता है। ब्लड रिलेशन में कोई भी आप अपने मदर फादर भाई ब्रदर सिस्टर या फिर अपने सन इन लॉ या फिर बच्चे वगैरह टुगेदर किसी को भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन कर दी, हो सकता है भाई आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये कंडीशन लागू हो जाए। बस ये अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।